मास्टर जी, क्या हुआ? कुछ लोग आए थे, सभी बच्चों को भगा दिया और स्कूल बंद करा दिया। अच्छा जी, मैं देखता हूं उस कमीने को। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मेरा नाम दीपा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। हाँ हाँ, ठीक है बेटा, मैंने सब पढ़ लिया और तेरे बारे में जानता हूँ। यही वो सत्यवीर जी हैं जिनके लिए मैं यहाँ आई हूँ। भोला भाला सा चेहरा, साधारण से कपड़े। ठाकुर, 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 बच्चों के उस स्कूल में तेरे कदम लास्ट होने चाहिए। अगर अगली बार तेरे कदम उस स्कूल में पड़े, तुम इस हवेली में वापस नहीं आओगे, जेल की काल कोठरी में जाओगे। समझ गए ना? लग गई ना मिर्ची। और फिर गाड़ी तेजी से सीधा खाई में, और उसके बाद जो हुआ फिर। अच्छा हाँ मास्टर जी, ये दीपा है। हाँ हाँ, मेरी बात हुई है। तो हाँ, मैं एक और बात कहनी चाह रहा था जी। इनके सोने के लिए अगर आप अपने कमरे में एडजस्ट कर लेते तो कोई। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस ये देख लीजिए, खाने रहने का बस हाँ, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कैसी खराबे ले रही है ये, आज पता नहीं कैसी नींद आएगी। सत्यवीर जी जैसे महान इंसान और आदर्श के साथ रहने के लिए ये छोटी सी कीमत है ही क्या? नमस्ते मैडम। मेरा नाम मैम नहीं, दीपा है। जी मैडम। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आप लोगों के लिए चाय बना रहा हूँ। अच्छा, ये किसके लिए? ये हमारे सर की है। लाओ मैं देके आती हूँ। नहीं मैडम, मैं ले जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, मैं देके आती हूँ। अरे ये सर की है, वहाँ से ले लो। अरे कृष्णा, इन्हें भी चाय दो एक। सर, 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 क्या हुआ? चाय, आपके लिए चाय लाई हूँ। सर, चाय कैसी बनी है? बहुत ही लाजवाब। थैंक्स सर, आपके लिए बिस्किट या कुछ और लाऊं? नहीं बेटा, सुबह मैं खाली चाय पीता हूँ। सर, मेरी बहुत जिज्ञासा थी, मैं आपसे मिलूं, आपके बारे में जानूं, आपके साथ काम करूं,
सर इतना बड़ा संघर्ष आपने कैसे किया, इसके बारे में बताओ। बेटा बस हमने क्या किया, बच्चे पढ़ाए बस और क्या। वाओ कितना बड़ा दिल है इनका, कितने बड़े बड़े काम किए पर कुछ भी नहीं बताना चाहते, कितना सादगी भरा जीवन जीते हैं ये। आपने तो दुनिया में बहुत सी जगह काम किया होगा। हाँ जहाँ भी बदली होती गई वही काम करते गए। कितने महान है ये, इतने बड़े बड़े काम किए इन्होंने और जरा सा भी घमंड नहीं। मैं दृढ़ निश्चय कर चुकी हूँ कि मैं एक दिन आपके जैसी बनूंगी और जरूर बनूंगी। अरे लाइए सर मैं करती हूँ। नहीं नहीं बेटा लगा लूंगा, मैं तो रोज ही लगाता हूँ, कोई बात नहीं बेटा। नौकर होते हुए भी ये सारा काम खुद ही करते हैं, कमाल है। हाँ कृष्णा। हाँ जी सर। खाना बन गया? हाँ जी सर बन गया, आप हाथ मुंह धो लीजिए जब तक मैं लगाता हूँ। हाँ ठीक है लगा दे। और एक ये है, या तो सारा दिन गांव में घूमता रहेगा या अपने कमरे में घुसा रहेगा, पता नहीं कौन सा काम करता है। हेलो। हेलो। हाँ गुड इवनिंग पापा, कैसे हो आप? गुड इवनिंग बेटा, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप और मम्मी कैसे? हम एकदम ठीक हैं। और तुम्हारे सतवीर सर से मुलाकात हो गई क्या? जी पापा, वो बिल्कुल ही सिंपल है और कुर्ता पजामा पहनते हैं, बिल्कुल ही सीधे साधे इंसान है और तो और बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ है। अच्छा। और पापा मैं आपको क्या बताऊँ, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने रूम में खुद ही झाड़ू लगाते हैं, अपने कपड़े भी खुद धोते हैं और तो और अपने नौकर की हेल्प भी खुद ही करते हैं। अच्छा वो तो ठीक है, तुम्हें वहाँ तकलीफ तो नहीं? जी नहीं पापा, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप भी अपना ध्यान रखना और मम्मा का भी ध्यान रखना। बाय, लव यू, गुड नाइट। ओके बाय। हाँ सीमा क्या बात? वो मास्टर जी मैं पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा तो क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरे बाबूजी मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ क्या हो सकता है, ठीक है तुम जाओ। अच्छा तो यहाँ चल रही है सेटिंग। अच्छा अभी बता रहा हूँ तेरे बाप से जाके, यहीं रुक जा तू। क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं बेटा, बच्चे तो चले गए, छुट्टी होगी, मैं सोच रहा हूँ कि कपड़े धो लूं। दिन में और कोई काम नहीं है आपको? क्या काम है मेरा, बच्चे पढ़ाने हैं, उनकी छुट्टी होगी, बस नहाना धोना। मैं जो सोचकर आई थी वैसे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ना ही वो कोई बात जो मैंने इनके बारे में अखबारों में पढ़ी थी। मुझे लगता है यहाँ मेरे रहने का अब कोई फायदा नहीं, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, यहाँ अपना समय बर्बाद करना ठीक नहीं, इससे अच्छा तो मैं दिल्ली जाकर कुछ और ही कर लूँ। सतवीर बाबू जो ये लड़की दीपा आई हुई है ये वापस जाना चाहती। हाँ तो जाने दो। जाने तो दे पर स्टेशन पे से छुड़वाना तो पड़ेगा। हाँ कोई नहीं कल छुड़वा देंगे, आज तो मैं कृष्णा को कहीं भेज रहा हूँ उसको। वैसे अच्छी बहुत है, मन लग गया था इसका। ठाकुर साहब आपको कुछ पता भी है क्या? वो जो शहरी लौंडा है ना, वो आजकल आपकी बेटी से बहुत मेल जोल बढ़ा रहा। उसकी इतनी हिम्मत? कृष्णा। हाँ जी सर। तू नौगांव चला जा, अपने लांबा साहब हैं उनको जानता है ना? बिल्कुल। वो तुझे एक फार्म देंगे, वो लेके आना है, तोड़ के चला जा और जल्दी आ। ठीक है। काहे के फार्म मंगवा रहे? मास्टर जी अपने ठाकुर साहब है ना जी, लड़की पढ़ना चाहती है और उनकी माता जी भी उन्हें पढ़ाना चाहते हैं जी। ठाकुर साहब पढ़ने नहीं दे रहे उसको, उसकी पढ़ाई रुक गई है, सोचा उसका फार्म भरा दूं, बेचारी पढ़ लेगी तो भला हो जाएगा, लड़की है पढ़ ले तो इससे अच्छा भला क्या है। ये तो आपने बिल्कुल सही सोचा,
ये तो देखो मास्टर जी, हमें करना ही होगा किसी भी तरह। बच्चों को एजुकेटेड करना है हमने किसी भी तरह, इसी काम में हम लगे हुए हैं आप समझते हैं। और भी देखते हैं। ये लिस्ट है मास्टर जी हमारे गांव के बच्चों की। गांव में टोटल 41 बच्चे हैं, 20 हमारे यहाँ पढ़ने आते और 18 बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं। सभी से लगभग बात हो गई है जी, आ जाएंगे ये भी। यहाँ का ये काम समझ लो सभी आने लग जाएं तो हमारा सफल हो जाएगा। मैं अब आसपास बढ़ रहा हूँ, मैंने हेड ऑफिस को भी लिख दिया जी। मैं आसपास के बच्चों की और लिस्ट अब शुरू करता हूँ। सर वो सीमा को गुंडे उठा कर ले गए। अब क्या करें सतवीर बाबू? गाड़ी कहाँ? गाड़ी के लिए सुना ले गया, आपने भेजा है उसको फार्म लेने के लिए। कर गए हैं वो उस तरफ। ठीक है। क्या ये सत्यवीर है? ओ माय गॉड, मैं तो आज तक इसे नौकरी समझती रही। अरे मुझे तो लेके चलो। ठाकुर साहब आज मुझे जरूरी काम है, मुझे जाने दो। मास्टर पहले तो तू हमारे काम में बाधा डालता था और अब हमारी घर की इज्जत पर भी निगाह हो गई। रुकिए ठाकुर साहब, मैं समझाती हूँ आपको, रुको आप। कमीनो, मैंने तुम्हें बरसों तक पाला और तुमने घर की इज्जत पर ही हाथ डाला, चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। आकुर साहब सांप पड़ोंगे तो कभी न कभी जरूर डसेंगे। मास्टर जी आज के बाद आप ये काम नहीं करेंगे, मैं करूंगा, सारे बच्चों को मैं शिक्षित करूंगा। मास्टर जी, बेटी बेटी तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बेटी आज इन लोगों की वजह से मेरे घर की इज्जत बच गई। बेटी मैं जिन्हें दुश्मन समझता रहा आज वो मेरे घर के रक्षक निकले। आज से ये काम मैं करूंगा बेटी, सभी को मैं शिक्षित करूंगा। आज से आपका सारा काम जंगल से नहीं हवेली से होगा, तुम मेरे साथ चलो। आप जा रही हैं? नहीं अब नहीं जाऊंगी, मुझे आज पता चला है कि सत्यवीर कौन है। चलें अब। धक्का कौन लगाएगा? आप लगाओगे? हैं?